गुरु रूप खालसा साहिब संग जीओ अमृत वेले सतगुरु जी दे दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु की पवित्र हजूरी विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन दा आनंद आप जी ने माणिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी दी विचार जो आप जी हर रोज श्रवण करदे हो उस दे नाल संबंधित गुरु के ए पावन बचन सारंग राग दी वार विच्चों आप जी श्रवण कर रहे सी। अज दी ए पावन पौड़ी जो गुरु रामदास जी दी उच्चारण कीती हुई है 33वें नंबर ते अंकित है। दो श्लोक सतगुरु जी दे नाल अंकित ने। पवित्र पौड़ी अंदर धन गुरु रामदास जी महाराज ये गल कह रहे ने कि दुनियावी तौर पर जो स्त्री पुरुष एकत्र होंदे ने उन्हां दा प्यार होवे वो केवल संसारक गल्लां ही करदे ने, लेकिन दुनिया दे विच कोई भी चीज जिहड़ी है सदा थे रहण वाली नहीं है। चाहीदा तां इह है कि जो असीं मिल के बैठीए उहदे सोचिए कि आपां को अजिहा उपा कढ़ीए, इहो जिहा तरीका लभीए, रस्ता लभीए कि ओ चीज सानू मिले जां उस चीज लई असीं यतन करिए जिस करके असीं सदा धरती ते कायम रहिए। ओ चीज है परमात्मा दा नाम। जदों कोई वाहिगुरु जी दे प्यार विच जुड़ के परोपकारी जीवन बतीत करदा है ओ जो परोपकारी लोक ने उन्हां दा नाम हमेशा धरती ते बणिया रहिंदा है, उन्हां दीआं जादां हमेशा धरती ते बणियां रहिंदियां ने। जिथे गुरु रामदास जी महाराज ने सानू नाम की वडियाई दसदे आ कि जदों असीं मिल बैठीए नाम की चर्चा करिए उत्थे सतगुरु जी ने पवित्र श्लोकां दे राहीं शब्द की महिमा गायन करदे आ कि गुरु के शब्द तो बिना मनुख किवें अज्ञानता च विचर रहे है। जो बचन बख्शिश कीते ने आपां मिल के इस दी विचार सांझी करिए। सतगुरु जी दे प्यार विच जुड़दे आ मन चित नूं एकाग्र करन हित मुख तो सारे ही उच्चारण करिए जीओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादे सब भुख जाए। जो ये पावन पौड़ी गुरु रामदास जी की बख्शिश की हुई 33 नंबर ते अंकित है इस नाल दो श्लोक अंकित ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु अमरदास जी महाराज दे ए पावन श्लोक जो पहला आप जी श्रवण कर रहे हो। सतगुरु जी कहिंदे गुरमुख अमृत नाम है जित खादे सब भुख जाए। गुरमुख दा अर्थ है कि जदों असीं गुरु कोल आउने आ गुरु दे पासों जो सानूं मिलदा है जां गुरु दे कोल जो कुछ है वह है नाम रूपी अमृत। गुरु दे विच सब तो जो उत्तम दात है गुरु कोल वह नाम है। नानक कह घर केवल नाम। नाम वह वस्तु है जिहदे नाल सुरख के जुड़ के सारियां भुखां मिट जांदियां ने। गुरु अमरदास जी दा इक बचन कि साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाईयां। वाहिगुरु जी दा नाम साडी जिंदगी दा आसरा है जिन्हों प्राप्त करके साडियां सारियां भुखां मिट जांदियां ने। सतगुरु जी कहिंदे नाम ही साडा भोजन है, नाम ही साडा कपड़ा है। हर नाम हमारा कपड़ जित पहिंदे फिर नंगे ना होवे होर पहनण की हमारी सरद गई। नाम नूं नाम साडी इज्जत दा साधन बनदा है। दुनियावी कपड़े पा के हो सकदा है साडी ओ इज्जत ना बणी जो नाम नाल जुड़ के बणदी है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे कि जित खादे सब भुख जाए। दुनियावी तौर ते मनुख कई तरह दे भोजन खांदा है लेकिन उहदी भुख मिटदी नहीं होर वधदी चली जांदी है। सतगुरु जी ने कहा सी आन रसा जेते तैं चाखे निमख न तिसना तेरी लाथे हर हस का तू चाखे साध चाखत होए रहे बिस्माद। बंदिया तू बड़े रस चखे ने पर तेरी तृष्णा नहीं मुकदी खाण पीण दी होर वधदी जांदी है।
कहते तू नाम दा रस चख के देख लेना, हैरान रह जाएगा, विस्माद में चलिया जाएगा। सतगुरु जी कहते गुरु को नाम अमृत है। अमृत उस वस्तु नूं पदार्थ नूं किया जांदा है जो मनुख दे अंदरों मौत दे डर नूं खत्म कर देवे, जो मौत तो रह जिंदगी प्रदान कर देवे, ते ओह केवल नाम है। गुरबाणी च नाम नूं अमृत कहा, हर हर अमृत नाम है मेरी जिंदड़ी है, अमृत गुरमत पाए राम। सतगुरु जी कहिंदे ए अमृत नाम जो है ए गुरु राहीं मिलता है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका बिसना। वाहिगुरु जी का नाम जिहड़ा नौ निधां दा घर है, ए अमृत है, इहदा निवास साडे अंदर है। गुरु बाबा जी कहिंदे गुरु दे कोल ए नाम रूप अमृत है, जिस नाम नूं खादिया प्राप्त कीतिया सारियां भुखां मिट जांदियां ने। तृष्णा मूल ना होवे, नाम वसै मन आए। जदों को गुरु दे दित्ते नाम नाल जुड़दा है, उपदेश नाल जुड़दा है, उहदे अंदर तृष्णा पूर्ण तौर ते मुक जांदी है, अंदरों मनुख रज जांदा है, तृप्त हो जांदा है। जदों गुरु दे बख्शे नाम नाल असीं जुड़दे हां, उदों नाम वसै मन आए। वाहिगुरु जी का नाम, परमात्मा का नाम। देखो नाम दे नाल ही धरती बनी है। गुरबाणी कहिंदी नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण। ये जो कुछ भी है ये नाम दे राही ही सिरजिया गया। जेता कीता तेता नाउ, जो कुछ है ये नाम दे राही सिरजिया गया, नाम दे आसरे टिकया होया। नाम सर्व व्यापक है, जिसनु नूर भी कहा, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सबंदे, जिसनु हुक्म भी कहा। वो नाम सर्व व्यापक है। जदो परमात्मा दे नाम दी गल हुंदी है, वो रबी जोत, वो वाहिगुरु जी का हुक्म, वो वाहिगुरु जी की पावर। ते गुरु पासों जो नाम मिलता है, गुरु जो उपदेश दिंदा है, शब्द दिंदा है। सतगुरु जी कहिंदे जदों गुरु दे दित्ते हुए नाम अमृत नूं असीं छक लवांगे, साडियां भुखां मिट जाणगियां, साडे अंदरों तृष्णा बिल्कुल मिट जाएगी। नाम वसे मन आए, ते मनुख दे हिरदे विच वाहिगुरु जी दा नाम, परमात्मा दी जोत आके वह जांदी है। मेन नाम है जे होर खाणा तित रोग लगै तन धाए। जो असीं नाम तो बिना होरना वस्तुआं नाल जुड़दे हां, संसार विच रहण दे लई भोजन चाहीदा है, कपड़ा चाहीदा है, वस्तुआं चाहीदियां ने, पर जो आपां आधार ही होर ना चीजां नूं बना लैंदे हां, सतगुरु जी कहिंदे फिर रोग लगे। मनुख दे अंदर रोग पैदा हुंदे ने, मनुख दा शरीर जिहड़ा है वह दुखी हुंदा है। जिंदगी अंदर दुखां रोगां दा कारण केवल इको ही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दा वचन है कि हर के नाम बिना दुख पावे। बाबे सतगुरु गुरु नानक साहब जी की कीर्ति करदे आ, जिथे भाई गुरदास जी ने कहा कि दुनिया बाबा नानक जी ने देखी सड़ रही है, बढ़ रही है, उथे गुरबाणी च सतगुरु जी ने वचन अंकित किए, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। सारा संसार रोगी है, इहदे रोगां दा कारण है कि इह नाम नालों टुट गया, प्रभु दे प्यार नालों टुट गया, इहने परमात्मा नूं ही भुला दित्ता। परमात्मा नालों टुटण करके इहदे अंदर मैल लग रही है। देखो शरीर ते मैल लगे, शरीर ते रोग आ जांदे ने। साफ सुथरे ना रहिए, नहाइए धोइए ना, सफाई ना रखिए, शरीर ते रोग आ जांदे ने। कपड़े मैले होण, शरीर रोगी हो जांदा है। असीं पर सफाई रखदे हां तंदुरुस्ती दे लिए, सफाई दा संबंध तंदुरुस्ती नाल। मनुख दे भोजन विच मैल आ जाए, शरीर रोगी हो जांदा है। ते जदों मनुख दी मन विच ही मैल आ जाए, ते फिर मनुख तंदुरुस्त कित्थों रहेगा। जदों मनुख परमात्मा नूं भुलाउंदा है, उहदे अंदर हंकार आउंदा है, उहदे अंदर विकार आउंदे ने, ईरखा आउंदी है, द्वैस आउंदी है, नफरत आउंदी है। सतगुरु जी कहिंदे वाहिगुरु जी दे नाम तो बिना फिर मनुख दे अंदर रोग पैदा हुंदे ने। जिन्ने रोग ने वह भावें शरीरक ने, भावें मानसिक ने, भावें कोई भी ने,
उन्हां रोगां दा इको एक मुढ है कि मनुख अपने परमात्मा प्रभु दे नाम नालों टुट गया, भाव उन्हें परमात्मा नूं भुला दिता। परमात्मा नूं भुल के बंदा हंकारी हुंदा, विकारी हुंदा, दुराचारी हुंदा, इहदे विचों ही रोग पैदा हुंदे ने। सतगुरु जी कहिंदे जदों असीं परमात्मा दी सिफत सलाह तों बिना होर कुछ जिंदगी च करदे आं ते रोग लगे तन ताए, उदों साडे शरीर नूं रोग व्यापदे ने। साडा शरीर जिहड़ा ना फिर खत्म हुंदा है, ताए दा अर्थ है उह खत्म होना शुरू हो जांदा है। नानक रस कस शब्द सलाहणा आपे लए मिलाए। सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज कहिंदे ने कि साडे लई तां वाहिगुरु जी का नाम ही सब तो वड्डी चीज है, इस करके दुनिया के रसा कसा नूं छड्ड के असीं गुरु के शब्द राही वाहिगुरु जी की सिफत सलाह विच जुड़े। शब्द सलाहणा भाव शब्द राही परमात्मा की सिफत सलाह विच जुड़े हाँ, आपे लए मिलाए। जदों असीं शब्द राही वाहिगुरु जी की कीर्ति करांगे, सिफत सलाह करांगे, परमात्मा आपे सानूं अपने नाल मेल लेगा। परमात्मा नूं मिलन दे लई कोई जोर लगाउण दी लोड़ नहीं है कि असीं इस तरीके नाल बैठांगे ते रब मिल जाएगा, जां इन्ने थावां ते घुमांगे रब मिल जाएगा, जां इस तरीके नाल नाम जपांगे ते रब मिल जाएगा। परमात्मा नूं मिलन दी लोड़ उहदी सिफत सलाह करिए, उहदे गुण गायन करिए। सतगुरु जी कहिंदे गुरु के शब्द राही उहदी सिफत सलाह जदों करदे आं आपे लै मिलाए, उह आप ही सानूं अपने नाल जोड़ लैंदे। ਪਾਪ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋਗੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡੋਗੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਛੱਡੋਗੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਮਲੜੀ ਪਹਿਰੇ, ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸੌ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਕਸ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਣਾ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਹਿ ਮਹਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਕੀ? ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਦਾਤ ਵਿਰਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚਿਕਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ। ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਤਾਂ ਮਜਮਾਂ ਵਾਲੇ
आप अपनी शरण अनुसार आप अपनी मान मर्यादा अनुसार कर्म करते हो। सतगुरु जी ने सारिया की चर्चा की कि मुसलमाना सिवत सरीयत पढ़ पढ़ कर है विचार। मुसलमान जेड़े ने वो शरा दे अनुसार अपने ग्रंथां नूं पढ़ के विचारदे ने, कहिंदे ने कि बंदा ही होई जिहड़ा सरा चाहेगा। हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बेकार। हिंदू मत दा धारनी बंदा जेड़ा है वो शास्त्रां नूं वेदां नूं पढ़दा है, पूजा अर्चा की गल करदा है, तीर्थ इशनान की गल करदा है। जोगी सुन ते आमन जेते, जोगी लोग समाधि बैठ के सुन च पहुंचने की गल करते हैं, वह परमात्मा अलग कहते हैं, होर जो उन्होंने माण मर्यादा करते हैं। लेकिन नानक भगतां भुख सलाह, जेडे रब के भगत ने उन्होंने अंदर रब की सिवत सलाह की भुख होंगी है। केवल रब की वह कीर्ति करते हैं, वाहेगुरु जी का नाम उन्होंने जिंदगी का आधार होंद, दिन रात वह आनंद विचरते हैं। सतगुरु साहब जी कहते हैं कि सब तो जड़ा उत्तम जिंदगी जीवन है ना, वह है वाहेगुरु जी की सिवत सलाह। जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मैलावा होए। असी दुनियावी तौर पर पदार्थ वरतते हैं, लोड़ है साड़ी, केवल पदार्थों की खातर जीवांगे पदार्थ मिलने, केवल रुतबे की खातर दौड़ भज करांगे रुतबे मिलने, दुनियावी वस्तुओं लिए दौड़ भज करांगे रिश्तों लिए दौड़ भज करांगे उही कुछ मिलेगा जिदे लिए असी जतन करांगे। लेकिन जे परमात्मा की सिफत सलाह करांगे तो सतगुरु जी कहिंदे जित सह मेलावा होए। जिंदगी दे अंदर सब तो वधिया जिंदगी है वाहेगुरु जी की सिफत सलाह करनी, जिदे राही परमात्मा दे नाल मिलाप हो जांदा है। बिन शब्द है जग अंधेर है शब्द प्रगट हो। सतगुरु जी कहिंदे कि वाहेगुरु जी की सिफत सलाह तो बिना, शब्द अर्थ इत्थे सिफत सलाह है, सिफत सलाह तो बिना साडी जिंदगी च हनेरा ही रहिंदा है, हनेरा। गुरु अमरदास जी का सोट राग की वार च इक थां दे बचन है जिथे उन्हां कहा घर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखन साध न पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने भरम दा भरम भुलाया। उथे सतगुरु साहब जी कहिंदे ने बिन शब्द सब जग बहु रन, शब्द नालों टुट के ये जगत बौरिया वांगू फिर रहा है, बौरिया वांगू कमलिया वांगू। इत्थे सतगुरु जी कहिंदे बिन शब्द जग अंधेर है, शब्द तो बिना जगत विच हनेरा ही है। शब्द प्रगट होए, दुनिया परमात्मा नूं प्राप्त करन दी गल करदी है, अनेक ढंग तरीके लोग वरतदे ने उस रब नूं मिलन दे लई। रब तां कोई व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है जिहड़ा किसे बाहर घूमिया फिरिया मिल जाएगा जां किसे कीमत ते मिल जाएगा। सतगुरु जी कहिंदे रब नूं मिलन दा प्रगट करन दा, रब तां सर्व व्यापक है, साडे अंदर भी है, सारे थावां ते, उन्हें ते प्रगट करन दी लोड़ है। ते सतगुरु जी कहिंदे उन्हूं प्रगट करन दे लई इको एक रस्ता है सिवत सलाह, शब्द सिवत सलाह। जदों असीं वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़दे हां, वाहिगुरु जी दी सिवत सलाह करदे हां, उदों साडे अंदर चानण पैदा हुंदा है। सतगुरु जी कहिंदे शब्द प्रगट होए, मनुख दे अंदर गुरु वाहिगुरु जी दी सिवत सलाह राही मनुख दे अंदरों ही वाहिगुरु प्रगट हो जांदा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिदमाए समाए। परमात्मा का सिमरन करदियां करदियां मनुख दे अंदरों मैल मिटदी है, वाहिगुरु जी का नाम अंदर वसदा है, अंदरों वाहिगुरु जी प्रगट हो जांदे ने। शब्द नालों टुट के हनेरा है, शब्द नहीं परमात्मा प्रगट हुंदा है। इस करके गुरबाणी में सतगुरु जी कहिंदे सारियां तो उत्तम जीवन है परमात्मा की सिवत सलाह करनी, शब्द नाल जुड़ना। शब्द नालों टुट के होर बड़े ने जिहड़े धरती ते विचरे ने, पंडित मोनी पढ़ पढ़ थके भेख थके तन धोए। बड़े बड़े पंडित जिहड़े ने उह यतन कर हटे कि किसे तरीके नाल उह रब जिहड़ा है ना उहनूं असीं जाण लईए, उहदी कीमत पा लईए। गुरु के बचन रोज पढ़ते हैं कि सुन वड्डा आखे सब कोए,
केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहे या जाए कहने वाले ते रहे सुमाए। अगे सतगुरु जी बंदन के सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरे तिल वड्याई। कीमत पाउन वाले ने बड़ा जतन किया कि असी को तरीका लभीए इस तरीके नाल रब मिल जाए जिवें आपां कहिंदे इन्ने पाठ कर लीए इन्नी सेवा कर लीए जां इन्ना असी दान कर लीए इह कीमत है। जदों आपां कहिंदे इन्ने पाठ कीतिआं रब मिलणा इह कीमत है। पर बड़े पा के थक गए पंडित मौनी पढ़ पढ़ थके वड़े वड़े पंडित जेड़े ने थक गए कीमत पाउंदे ग्रंथां नूं पढ़ पढ़ के लेकिन उस परमात्मा नूं उह जाण ना सके। मौनी मोनी जेड़े मुख तो बोलते ही नहीं चुप रहिंदे ने इक मोनिया दा पंथ है। सतगुरु साहिब जी कहिंदे मोनी जेड़े ने मौन ला ला के चुप कर गए थक गए भेख थके तन धोए। धर्मां दी दुनिया च बड़े भेखतारी लोग ने वो भेख कर करके थक गए लेकिन किसी भेख दे रही रब नहीं मिलिया। तन धोए दा अर्थ है कई लोग सोचते ने कि नाते ही रब मिल जाएगा। वो तन नूं धोण दे जोर लाई रखते ने कोई कहिंदा फलाने तीर्थ ते जाओ कोई कहिंदा ठाठा तीर्थां ते जाओ फलाने थां ते इशनान करो। शरीरक तंदुरुस्ती लई इशनान जरूरी है लेकिन इशनान कीतिआं रब नहीं मिलेगा वो ते मन नूं पवित्र करना मिलेगा। गुरबाणी कहिंदी है कि केवल तन नूं धोतिआं रब नहीं मिलदा। सुचे इह ना आखियां बहन जे पिंडा धोए सुचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। बाहरी तौर ते जिथों तक सुच संजम दी गल है असी सुचे तो हो ही नहीं सकते। शरीर तो मिट्टी है हुण नहा लो घड़ी कू फिर पसीना आ जाता है फिर सानू कपड़े बदलने पैंदे ने मैले हो जाते ने जनों। इस करके सतगुरु जी कहिंदे सोचा है सोच ना होवे जे सोची लख वार सोच लखां वारी सोच स्नान करो तुसी सुचे तो हो ही नहीं सकते। सुखमनी साहब जी का वचन सोच करे दिन सारा रात मन की मैल ना तन ते जात। लोड़ ता मन दी मैल तो मुक्त होण दी सी मन नूं पवित्र करन दी सी। तन साफ होए बहुत चंगी गल है तंदुरुस्ती लई तन साफ होना चाहिए। पर केवल तन साफ करन दे नाल रब नहीं मिल जाएगा उत्थे मन भी साफ चाहिए। कई बार बारो बंदा जोर लगाई जांदा साफ सफाई ते मन वल ध्यान नहीं दिंदा ते गुरु अमरदास जी ने कहा जियो मैले बाहरों निर्मल। बंदा अंदरों मैल नाल भरिया हुंदा मैल दा अर्थ अज्ञानता विकार ईरखा नफरत बुराइयां बेईमानी ये मैल है साडे अंदर। जियो मैले बाहरों निर्मल बाहरों निर्मल जियो तां मैले तिनी जन्म जुवै हरे। अंदरों बंदा मैला हुंदा है बारों को निर्मल होण दा अडंबर करदा है वो बंदा जिंदगी दे अंदर सफल नहीं हो सकता वो जिंदगी दी बाजी हार जांदा है। सतगुरु साहिब जी कहिंदे बड़े लोगों ने जतन किया कि असी शायद इस तरीके नाल रब नूं मिल लवांगे भेख थके तन धोए शरीर नूं धो धो के थक गए भेख कर करके लोग थक गए पंडित पढ़ पढ़ के ग्रंथां नूं थक गए मोनी जेड़े ने मौन धार धार के थक गए। पर किसी भी तरीके नाल उन्हां दी सांझ रब नाल बनी ना बिन शब्द है किने ना पायो दुखिए चले रोए। सतगुरु जी कहिंदे शब्द तो बिना शब्द अर्थ इत्थे सिफत सलाह है वाहेगुरु जी दी सिफत सलाह तो बिना किसी ने अज तक उस परमात्मा दे नाल नेड़ता प्राप्त नहीं कीती परमात्मा दी उन्हां नूं प्राप्ति नहीं होई। वो इस धरती तो दुखी ही गए रोंदे ही गए क्योंकि एडी वड्डी घालना कीती उन्होंने ते सफलता को मिली ना। दुख तो इस गल दा नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए। सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज कहिंदे ने कि वाहेगुरु जी दी प्राप्ति होनी है ओदी बख्शिश सदका ओदी बख्शिश किवें मिलदी है साडे कीते होए कर्मां अनुसार। जो असीं कर्म करदे हां अमृत बाणी दे वचन रोज पढ़दे हां करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। वाहेगुरु जी दे दर ते साडे कीते होए कम्मां दी विचार होनी है करमी करमी होए विचार। वाहेगुरु जी दे दर ते साडे कीते होए कम्मां करके किसे ने नेड़े चले जाणा है किसे ने दूर रह जाणा है। जदों वाहेगुरु जी दी सिफत सलाह दी गल आउंदी है जो परमात्मा दी सिफत सलाह वी जुड़दा है ना
वो कदी फिर माड़े कर्म नहीं करता। शिव सलाह अर्थ कल्ला को माड़ा फेरना या धर्म ग्रंथ पढ़ना ही नहीं है। जदों भी सतगुरु जी ने वाहेगुरु जी के नाम नाल जुड़न दी गल कही है ना, किन्ने मन बच कर्म करके परमात्मा दे नाम जुड़ना, मन बच कर्म करके, मन करके रब दे प्यार जेड़ा जुड़ेगा उहदा तां हर कर्म ही रब दी बंदगी बन जाएगा। कई बार बंदा शरीर करके रब दी बंदगी दी गल करदा पर अंदर मन होर पासे हुंदा है, मन सावधान नहीं हुंदा, उह सफलता नहीं मिलदी। जदों असीं मन करके परमात्मा दे प्यार विच जुड़ांगे, सतगुरु जी ने गुरबाणी के प्रभ की उस्तत करो संत मेत, सावधान एकाग्र चित, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। जदों परमात्मा नूं गाउणा है सुनना है उदो मन विच भावना करके, मन करके उहदे प्यार जोड़ने। ते सतगुरु साहिब जी कहिंदे जिन्हां ने मन करके परमात्मा नूं गाविया उन्हां दा गाविया सुनिया थाए पै गया। जे मन कुछ होर बने है, मन महल विच है, ते बाहरों कीतियां गल नहीं बनेगी। सतगुरु साहिब जी कहिंदे ने अज तक किसी भी मनुख ने शब सिवत सलाह तो बिना परमात्मा नूं प्राप्त नहीं कीता। जदों कोई वाहेगुरु जी दी सिवत सलाह करदा है मन करके उहदी सिवत सलाह करदा है। मन तो बाद है बचन, मन विच भी किसी दे विरुद्ध बुराई ना आ जाए, बुरा ख्याल ना आ जाए, मन पवित्र होए, रब दे प्यार जुड़िया होए, यह है मन दी बंदगी। एक है बचन करके, बचन करके अर्थ है कि साडे बचना राही भी किसी का दिल ना दुखे, बचना राही भी असी रब दी ही गल करिए, साडे जो बचन हुण वह भी लोगों के अंदर प्यार पैदा करन, किसी दे दिल नूं तोड़न। एक है कर्म करके, साडा जिहड़ा कर्म है वह कर्म करदे भी असी किसी का हक ना मारीए, किसी का दिल ना दुखाइए, किसी दे जुल्म ना करिए, इहनूं भगती किया जांदा, इहनूं सिफत सलाह किया जांदा। सतगुरु जी कहिंदे जदों कोई मन बच कर्म करके वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह विच जुड़ जांदा है, फिर नदरी पाई है उहनूं वाहिगुरु जी दी बख्शिश प्राप्त हो जांदी, वाहिगुरु उत्ते तरस जांदा। देखो परमात्मा तां हर मनुख नूं प्यार करदा, पर जे असीं वाहिगुरु जी दे प्यार वाले कर्म करांगे तां परमात्मा सानूं क्यों नहीं मिलेगा। भाई गुरदास जी दा इक पवित्र बचन है बड़ा प्यारा कि जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सब ही ते अधिक प्यारो सुत बोध। मां दे दो चार बच्चे हुंदे ने जिन्हें भी हो, भाई साहब कहिंदे सब तो प्यार ज्यादा मां जिहड़ी है गोदी वाले बच्चे नूं करदी है। उहदा कारण यह है कि सियाणे सुत बणज बिहार के व्यापार विखे, जिहड़े सियाणे बच्चे ने वह कमांकारां च लग जांदे ने, कोई बाहर चल गया, स्कूल चल गया, कोई खेडन चल गया, कोई बापू नाल दुकान ते चलिया गया। लेकिन गोद में अचेत हित संपिना सुहोद को, जिहड़ा गोदी विच है उहनूं ते मां तों बिना होर कुछ भी आसरा नहीं है। मां ही उहनूं जिथे पवा देवेगी, खवा देवेगी, जिथे बिठा देवेगी उथे बैठा रहेगा। पल ना पवाए माहे गृह काज लगे जाए, सुन सुत रुदन पै पे आवे मन मोद। मां उन्हों पंगूड़े ते पौंदी है, सुआ दिंदी है, बच्चा उठदा है, रोंदा है माड़ा जिहा, मां जल्दी नाल चुकदी है, उन्हों दुध पिआउंदी है, फिर उन्हों प्यार करदी है। बच्चे नूं मां दा ही आसरा है ते मां भी बच्चे दा बहुता ध्यान रखदी, क्योंकि बच्चे नूं मां दा ही आसरा है। इहने बिलकुल इस तरह जिहड़ा मनुख इस धरती ते गुरु परमात्मा दा आसरा लैके चलदा है ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਆਤਨੇਹੋ ਬਹਿਮੰਦ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਗਲੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਸਦਾ ਸਭ ਕੇ ਚੱਲ ਸੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ,
दुनिया च जो कुछ भी सानू दिसदा है वो थिर रहने वाला नहीं है, वो ते चलिया जाने, वो ते नासवंत है। चाहिदा तो यह है कि जे असि इकट्ठे होइए, रब की सिफत सलाह करिए, को परमात्मा का धन्यवाद करिए कि परमात्मा ने सानू जिंदगी दिती है, परमात्मा ने सोना घर परिवार सानू दिता है, संग साथ सानू दिता है। लेकिन कोई विरले भागां वाले ने जे मिलन ते रब दा धन्नवाद करन, नहीं तो दुनियावी गल्लां संसारी गल्लां जां होर इधर उधर दियां गल्लां च ही उह साडा इकट्ठे होण दा टाइम जिहड़ा बतीत हो जांदा है। सतगुरु साहिब जी कहिंदे जो कुछ दुनियावी असीं करदे आ देखदा सब किस चल सी मेरे प्रपाया। साडे परमात्मा दा इह हुक्म है कि जो कुछ दिसदा उह इत्थे नहीं रहिणा, उह तां चले जाणा। क्यों रहिए थिर जग को कड्डो उपाया। गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे चाहिदा तां इह है कि जदों असीं मिल के बैठीए आपस विच, सोचिया करिए कि धरती ते तां कुछ भी नहीं रहना, असीं भी नहीं रहना, क्यों रहिए थिर जग। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਹੀ ਨਾ ਰੁੱਝੇ ਰਹੀਏ, ਜਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚ, ਈਰਖਾ ਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਚੁਗਲੀਆਂ ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਔਗਣਾਂ ਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਕੱਢੋ ਉਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭੀਏ कि इस धरती ते असीं थिर किवें रह सकदे हां। हर मनुख दे मन विच सदा जीउंदे रहण दी तांग है, इह रब ने रखी है, रहणी वी चाहीदी। गुरबाणी कहिंदी हर मनुख धरती ते सदा रह सकदा है। देखो शरीर तां सदा नहीं रहना, असीं शरीर नहीं हां, मनुख शरीर नहीं है। साडी तां जीवन यात्रा बहुत वड्डी है, ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਉਪਾਅ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰਹਿ ਉਦੋਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਕੱਢੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਥਿਰ ਜਗ ਕੋ ਕੱਢੋ ਉਪਾਇਆ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋ ਉਪਾਅ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਥਿਰ ਕੰਧ ਸਬਾਇਆ। ਕੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ। ਉਹ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੀਏ। ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ।
ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਚਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨ ਸਬਦੇ ਜਗ ਅਨੇਰ ਹੈ ਸਬਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਾਅ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਹ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪੁਨ ਹੁਆ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ ਕਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਹ ਕਰੀ ਭਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਪਲ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਘਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਥਿਰ ਕੰਧ ਸਬਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਥਿਰ ਕੰਧ ਸਬਾਇਆ ਕੰਧ ਮਹਿਣਾ ਸਰੀਰ ਸਬਾਇਆ ਮਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਥਿਰ ਮਹਿਣਾ ਥਿਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਾਇਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀਰ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਸਬਾਇਆ ਲਬਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਥਿਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀਰ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਨ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਥਿਰ ਕੰਧ ਸਬਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੜੇਗਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਸਭ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਾਧਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਰੋਗ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਨ ਧਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੰਧ ਸਬਾਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ
उदो साडी रसना बुराइयां नहीं करदी जां किसे दा बुरा नहीं लोचदी। उदो साडी रसना केवल दुनियावी रसां तक सीमित नहीं रहिंदी, रब दे रस नाल जुड़ जांदी है। समझो कि साडा शरीर थिर हो गया, साडियां अखां उस वाहिगुरु जी दे दीदार जुड़ जाण, साडे कन्न वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह नाल जुड़ जाण, साडे हथ धर्म दी किरत नाल जुड़ जाण, साडी रसना वाहिगुरु जी दे गुण गाउण वाले बन्ने लग जाए। यह है शरीर नूं कायम रखण वाली जां सफल बनाउण दा इक तरीका, थिर रखण दा इक तरीका। पर सतगुरु जी कहिंदे कदों हुंदा है, जदों गुरपूरे की चाकरी फिर कंध सवाया। जदों पूरे गुरु दी असीं चाकरी करदे हां, भाव पूरे गुरु दे दसे मार्ग ते चलदे हां, सेवा च लगदे हां, उदों साडा शरीर थिर हो जांदा है। नानक बख्श मिलायन हर नाम समाया। धन गुरु रामदास जी कहिंदे फिर वाहिगुरु जी आप ही बख्शिश करके अपने नाल मिला लैंदे ने। जिहड़ा मनुख पूरे गुरु दी चाकरी करदा है, पूरे गुरु दे दसे मार्ग ते चलदा है, परमात्मा उहनू अपने नाल आप ही मिला लैंदा है। पाप परमात्मा नूं मिलण लई कोई जोर लाउण दी लोड़ नहीं, कोई भुखे रहण दी लोड़ नहीं, कोई घर छड्डण दी लोड़ नहीं, कोई इधर उधर तीर्थां ते भटकण दी लोड़ नहीं। परमात्मा नूं मिलण दे लई गुरु दे दसे मार्ग ते चलण दी लोड़ है। गुरु का एक अमृत वचन असीं पढ़दे हां कि जिन्हां दे गुरु दी कृपा हो जांदी है उन्हां नूं जीउण दी जाच आ जांदी है। जिंदगी बड़ी महान है, ऐस समुचे ब्रह्मांड च जिथे धरती सब तो उत्तम है, धरती दे उत्ते सब तो उत्तम जिंदगी मनुख दी है। लेकिन जिंदगी मनुख दी महान है, पर हर मनुख दी जिंदगी जिहड़ी उह सफल थोड़ी है। आपां देखदे हां औगणा विकारां वाले बन्ने लग के इह साडी जिहड़ी कीमती जिंदगी इहनूं असीं आकार थी गवा लैंदे हां। पर जदों असीं गुरु दे दसे मार्ग ते चलदे हां उदों साडा इह जीवन जिहड़ा ना सफल हुंदा है। जीवना हर जीवना हर नाम जप सत जीवना, सफल सफल पई सफल जाता। साडा जीवन सफल उदों हुंदा है जो तुसीं वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़दे हां। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि जिंदगी महान है, पर जदों असीं पूरे गुरु दे दसे मार्ग ते चलदे हां उदों साडा जीवन महान बन जांदा है, सफल हो जांदा है। नहीं तो बहुत सारियां जिंदगियां अकारथ बतीत हो जांदियां ने। गुरबाणी विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दी चर्चा भी कीती जिहड़े जिंदगी नूं अकारथ गवा जांदे। भाई गुरदास जी दा एक बड़ा प्यारा बचन कि खाणी बाणी जुग चार, लख चौरासी जोन उपाई, उत्तम जोन वखाणी माण जोन दुलभ दिखाई, सब जूनी कर वस्त समान सुनो दित्ती वडियाई, बहुते माण जगत विच भरा दीन के समझ न आई। सतगुरु जी कहिंदे बहुते लोग तां सिर्फ इस महान जिंदगी च रहिंदे वी गुलाम बन के विचर रहे ने, पर जदों असीं पूरे गुरु दे मार्ग ते चलदे हां उदों साडा इह शरीर सफल हो जांदा है। सतगुरु जी ने कहा सी कि जदों असीं मिल के बैठीए उदों इक विचार करिया करिए, क्यों रहीए थिर जग को कढो उपाया, कि भई आपां कोई उपा लभीए कि आपां इस जगत विच सदा किवें रह सकदे हां। मनुख सदा रह सकदा है, शरीर तां किसे दा भी नहीं रहना, भावे वह गुरु साहब जी आए ने जां अवतार पीर पैगंबर आए ने, शरीर तां किसे दा नहीं रहना। यह शरीर असीं है नहीं है, असीं तां कुछ होर इस शरीर दे अंदर बैठे। शरीर तां इक मकान कह लो, घर कह लो, सरां कह लो, इहनूं कुछ भी कह लो, वह जो अंदर साडा जीवन है वह सदा कायम बने। वह तां कायम रहेगा जदों असीं परमात्मा दी सिफत सलाह विच जुड़ांगे। देखो किवें कायम रहिंदा शरीर, जिहड़े रब दे प्यार जुड़े, जिन्हां ने परोपकार कीता है उह ते सदा ही लोकां दे दिलां अंदर जीउंदे ने। हुण गुरु साहिब जी दा इतिहास पढ़ लईए, भगत जनां दा, होर अनेकां शहीदां सिंह सिंघणियां दा इतिहास पढ़ लईए, हुण उह लोक जिहड़े ने उह सदा धरती ते जीउंदे रहिणे, भावें उहनां नूं गिआं सैकड़े वरे हो गए, शरीरक तौर ते इस धरती ते नहीं, पर अज वी असीं कहिंदे उहनां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरू। इहदा मतलब उह ते जीउंदे ने, सदा लई जीउंदे ने। मनुख सदा लई जीउंदा रह सकदा है जे काम उहो जे करे जिहदे राहीं मनुखता दा भला हो सके, जां इह मनुखी समाज उच्चा हो सके। सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने बचन कहे सन, भाई गुरु कोल आउंदे आं, गुरु कोल ते इको ही इक दात है नाम अमृत दी, जो साडियां भुखां मिटदा है, जिहदे राहीं साडे अंदर रस कस मिटदे ने, रोग मिटदे ने। पर जदों असीं उस नाम अमृत नूं छड के होर बन्ने लगदे आं उदों शरीर रोगी हो जांदा है।
सतगुरु जी ने कहा सब तो उत्तम जिंदगी यह है कि असी वाहेगुरु जी की सिफत सलाह न जुड़िए। बाकी काम करते हैं बहुत इस धरती से आए जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े मारके मारे, कोई वह भी आए जेडे कहते जी धरती जित लेना सारी दुनिया जित लेना, वो दुनिया जितने वाली जिंदगी की बाजी हार के चले गए। बहुत सारे वो लोग आए जेडे कहते कि सारी दुनिया की दौलती साढ़े को आ जाए, उन्होंने बड़े माड़े चंगे तरीके वरत के दौलत ने एकत्र कर भी लिया पर धरती ते भी ना रहे, इस धरती तो चले गए। बहुत आए वड्डियां वड्डियां मल्लां मारन वाले कि राज भाग बन जाए, राज भाग भी उन्होंने जोर जुलम नाल बना ले पर कोई धरती तो चले गए है नहीं है। पर कुछ वो महान हस्तियां ने जिहड़ियां सदा धरती ते जीउंदियां रहिंदियां ने, जिवें आपां भगत जनां दी गल करदे गुरु साहिबां दी गल करदे ने, इह सदा धरती ते जीउंदे रहणगे। सतगुरु जी कहिंदे असीं वी सोचिया करिए कि असीं धरती ते सदा जीउंदे किवें रहिणा, कायम किवें रहिणा। वो इको एक तरीका है, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सवाया, पूरे गुरु की चाकरी करिए पाव पूरे गुरु की सेवा करिए। जे नहीं करांगे सतगुरु जी ने कहा बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई, गुरु की सेवा तो बिना सानू जिंदगी च बहुत दुख व्यापते ने, असीं भरम दे भटकदे रहिंदे आं। ते गुरु की सेवा करके मनुख कितना महान बन जांदा है। सतगुरु गुरु अमरदास जी का वचन है कि जदों भी पूरे गुरु के दर से आओ, जिवें हाथी नहीं हुंदा, हाथी के सिर ते कुंडा हुंदा, हाथी उस कुंडे के अधीन चलता है। जिवें अहरण हुंदी है, अहरण लोहार की दुकान ते अहरण हुंदी है, वह लोहे का एक पीस गर्म करके उहदे ते रखदा है, हथौड़े नाल कुटदा है, अहरण अडोल रहिंदी है। कहिंदे इस तरीके की जिंदगी बना लो जिथे सतगुरु जी ने कहा कि हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे, तो मन तन आगे राह कै उबी सेव करे। हस्ती कहिंदे हाथी नूं, जिवें हाथी दे सिर ते कुंडा हुंदा, वह एक कुंडे दे अधीन ही चलदा है। जिवें अहरण दे उपर हथौड़े दीआं सट्टां वजदीआं ने पर अडोल पई रहिंदी है, इवें असीं गुरु के शब्द दे अधीन चलीए। जिवें हाथी कुंडे दे अधीन है, गुरु के शब्द दे अधीन जो गुरु ने सानूं मार्ग दित्ता उहदे अधीन उस अनुसार जिंदगी बतीत करिए। जो गुरु दे वचन ने भाणा है उन्हों एवें आपां सहारीए जिवें अहरण अडोल सट्टां सहारी जांदी है, ते जदों एवें गुरु दे दर ते समर्पण हो जावांगे उह मन तन आगे राख कै सब राइयों गुरमुख आप निवारीए सब राज सृष्टि का ले। जदों असीं गुरु दे दर ते आ के अपने अंदरों दुनियावी मोह माया तो उच्चे उठ के समर्पण हो जावांगे सब राज सृष्टि का ले, मनुख सगल सृष्टि दा राजा बन जाएगा। सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज ने जिथे नाम अमृत की गल कही सी, नाल कहा सी कि शब्द तो बिना जगत विच हनेरा है, शब्द तो बिना साडी नाम परमात्मा नाल सांझ नहीं बननी। उत्थे सतगुरु गुरु रामदास जी ने कहा जदों भी असीं इकट्ठे होईए उदों मिल के इको एक विचार करिए, क्यों रहीए थिर जग को कढो उपाया, भई धरती ते असीं सुखी किवें रह सकदे आं, इस धरती ते सदा साडी गल किवें रह सकदी, आपां को उपा कढ़ीए। वह उपा है पूरे गुरु की चाकरी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी का एक वचन, गुर कृपा जे नर को कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोबिंद सिउ ज्यों पानी संग पानी। जिहदे ते गुरु की मेहर हो गई ना उहनूं जीउण की जुगत आ गई, उहनूं जीउण का रस्ता लग पिया, ते ओ परमात्मा च इवें समा गए जिवें पानी पानी च समा जांदा है। परमात्मा साडे अंदर है, बाहर है, सर्व व्यापक है, पर सानू उस परमात्मा नाल सांझ क्यों नहीं साडी बणदी? उहदा कारण है कि साडे अंदर केवल तां केवल दुनियावी विचार बड़े ने। जदों पूरे गुरु की चाकरी करदे आं साडे अंदर परमात्मा की सिफत सलाह वसदी है, ते परमात्मा की सिफत सलाह ही है जिहदे नाल जुड़ के असीं सदा धरती ते सुखी रह सकदे आं। इस सिफत सलाह की दात विरलिया नूं हुंदी है, नानक भगतां भुख सलाहण सच नाम आधार। रब दे प्यारे जिहड़े सदा वाहिगुरु जी की सिफत सलाह विच जुड़े रहिंदे ने। सतगुरु जी ने रबी प्यारियां दी गल करदे आ इक थां ते बड़े प्यारे वचन कहे कि जिहड़े रब दे भगत ने उन्होंने अंदर वाहिगुरु जी की सिफत सलाह की किन्नी भुख हुंदी। जिवें राजन मैं राजा उरजायो, मानन मैं अभिमानी, लोभन मैं लोभी लोभायो, त्यो हर रंग रचे ज्ञानी, हर जन को यह सुहावे, पेख नीठ कर कीर्तन सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावे। रब दे प्यारियां नूं यही गल ही चंगी लगदी है जां शोभा दिंदी है
कि हर कीर्तन ही तृप्तावे, वह वाहेगुरु जी की कीर्ति सिवत सलाह करके ही तृप्त होंगे, और कोई चीज उन्हां दी भुखा नहीं मेट सकती। दुनियावी तौर पर जिवें कोई राजा अपनी राजनीति च उलझिया रहिंदा है, जिवें हंकारी बंदा अपने अहंकार नूं वधाउण लई उलझिया रहिंदा है, लोभी बंदा अपने लोभ की पूर्ति लई जतनशील रहिंदा है, तिवें रब दा प्यारा जिहड़ा है ना, वह हर वेले वाहिगुरु जी की सिवत सलाह की गल करता है। जिवें अमली जिहड़ा अमल दे नाल ही जुड़िया रहिंदा है, अमल सो अमली लोभायो भूमन भूम प्यारी, खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी। सतगुरु जी कहिंदे अमली जिवें अमल की गल ही करदा है, अमल दा ही उहनूं चिंता रहिंदी है, फिक्र रहिंदा है। भूमिया एक जिमीदार जिहड़ा उहनूं जमीन ही प्यारी हुंदी है, जमीन तो बिना वह होर कुछ नहीं देखता। जिवें बच्चा जिहड़ा उहनूं मां दा दुध ही प्यारा हुंदा है, बच्चा रोए उहनूं मां दुध प्यार दे विच झट चुप कर जांदा है, होर किसी चीज नाल उह रीझदा नहीं है। सतगुरु जी कहिंदे प्रभ संत ऐसे हितकारी, रब दे प्यारे इस तरीके नाल रब दी सिफत सलाह नाल प्यार करदे ने, क्योंकि वह रब दी सिफत सलाह नाल जुड़ के इन्ने महान बन जांदे ने। सतगुरु जी कहिंदे नानक पातशाही पातशाह, वह पातशाह दे पातशाह बन जांदे ने। सतगुरु गुरु अमरदास जी ने जिथे गुरु के दर ते नाम अमृत की गल की सी, नाल ही गल कही कि इस नाम अमृत तो बिना सिफत सलाह तो बिना जगत विच हनेरा ही है, बंदा हनेरे च विचरे है। बड़े लोग जतन करते रहे धर्म की दुनिया च कि कोई तरीका लभ जाए रब नाल जुड़न दा, मोनिया ने पंडतां ने भेखिया ने जोगिया ने जतन किया, पर सब दुखीए चले रोए। वाहेगुरु जी की सिफत सलाह तो बिना सारे दुखी होके गए। ते सतगुरु गुरु रामदास जी ने कहा जदों भी असीं परिवारक तौर पर भी मिलके बैठीए, स्त्री पुरख के तौर पर भी मिलके बैठीए, उदो केवल संसारी कम्मां च ही ना खचत रहीए, मिल के ये क्या करिए कि क्यों रहिए इत्थे, जग को कड्डो उपाय, तई कोई ओ उपाय कड्डीए, ओ रस्ता लभीए, असीं इस शरीरक तौर पर जगत विच किवें सुखी रह सकते हैं, ते साडा इह शरीर सफल किवें हो सकदा है, आउणा प्रवान किवें हो सकदा है, वह तरीका है पूरे गुरु की चाकरी। जब असीं पूरे गुरु के दसे मार्ग से चलते हाँ, वाहिगुरु आप ही सानू अपने विच लिवलीन कर लैंदा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेहर करन, गुरु के ये पवित्र बचन साडे हिरदियां च वसन, गुरु के शब्द नाल जुड़ के वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह नाल जुड़ के असीं जीवन का आनंद माण सकीए जी। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनियां, भुल चुक की खिमा बख्श देनी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी समूह संगतां नूं अपने दरों घरों नाम बाणी का प्यार बख्श के कृतार्थ करन जी। प्यार सहित बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।